आखिरकार युवराज को एक बार फिर टीम इंडिया का हिस्सा बनने का मौका मिल ही गया। इस खबर से न सिर्फ उनके फैंस ही खुश हैं, बल्कि युवराज के पापा योगराज सिंह भी काफी ज्यादा हैप्पी हैं। ये वही योगराज हैं जिन्होंने कुछ साल पहले धोनी पर युवराज की टीम इंडिया से आउट होने का आरोप लगाया था, और अब धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद योगराज सिंह अपने उस दावे के सही होने की बात कह रहे हैं। युवराज सिंह की टीम इंडिया में 3 साल बाद वापसी से उनके पिता योगराज सिंह बेहद खुश हैं। योगराज का कहना है, मैंने 2 साल पहले ही कहा था कि धोनी के जाते ही युवराज टीम में लौटेगा। आपको बता दें कि सिलेक्टर्स ने शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे और इतने ही T20 मैचों के लिए टीम अनाउंस की। यूवी दोनों ही फॉर्मेट में टीम का हिस्सा है। इस पर योगराज ने कहा, युवराज पिछले लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में शानदार खेल रहा है, अब उसका नतीजा आपके सामने है। यूवी पर वाहेगुरु की मेहर हुई है, उसे टीम में शामिल किया जा चुका है, अब बारी उसके नतीजे की है। युवराज सभी को अपने शॉट से जवाब देगा। आपको बता दें कि युवराज ने आखिरी वनडे 2011 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ और आखिरी T20 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस के कारण युवराज सिंह की 3 साल बाद वनडे टीम में वापसी हुई है। उन्होंने आखिरी मैच दिसंबर 2013 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। वहीं आखिरी T20 मार्च 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में खेला था। रणजी में उन्होंने 8 मैचों में 724 रन बनाए हैं, इसमें 260 और 177 रन की इनिंग भी शामिल है। चीफ सिलेक्टर MSK प्रसाद ने कहा कि युवराज ने घरेलू क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया है, उन्हें मौका जरूर देना चाहिए। NMF न्यूज की रिपोर्ट।